खुश रहो, खूब तरक्की करो बेटा। सब कुछ चेक कर लिया? कुछ रह तो नहीं गया बेटा? हाँ माँ, सब ले लिया। खुश रहो बेटा, पढ़ने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई पर ही ध्यान देना। घर के इकलौते चिराग हो, खानदान का नाम रोशन करना। जी बाबूजी, मैं आपकी सिखाई हुई हर बात का ध्यान रखूंगा और टॉपर आकर एक दिन न्यूज हेडलाइन में आऊंगा। शाबाश, आओ चलो, देर ना हो जाए। स्वाति, तुम यहीं रुको, मैं बाइक पार्किंग में खड़ी करके आता हूँ, फिर प्रिंसिपल से मिलते हैं, ठीक है? ओ भैया, आपका बस चले तो मेरे साथ क्लास में बैठ जाओ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सब संभाल सकती हूँ। अब आप जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे पता है तू बहुत बड़ी हो गई है। चल, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दियो, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस। मैं प्रिंसिपल से कहाँ मिल सकती हूँ? प्रिंसिपल आइए, मैं ही आपको मिलवा देता हूँ। थैंक यू। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या प्रिंसिपल ऑफिस है? आपने प्रिंसिपल ऑफिस पूछा ही कहाँ था, आपने तो प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए कहा था, वो अक्सर यहीं रहते हैं, जाइए मिल लीजिए। तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवाने का मैंने वादा किया था, अब तो तुम्हें अंदर जाकर मिलना ही होगा। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसी भी कोई रैगिंग होती है? अरे लड़की है, कुछ तो लिहाज करो, और रैगिंग एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। आओ तुम मेरे साथ चलो। अरे यार ये शो तो फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं। ओह वो देखो, एक नया मुर्गा आ रहा है। अरे वाह, अब मजा आएगा। ओ हीरो, इधर आ। क्या नाम है तेरा? मनीष। मनीष क्यों साले, कौन सी पिक्चर का हीरो है तू? आज से तेरा नाम मनीष नहीं है, मुर्गा है मुर्गा। चल मुर्गा बन के दिखा। अबे कुकड़ू क्यों, तेरा बाप बोलेगा, मार साले के पीछे। कुकड़ू 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 कुकड़ू। अबे तू क्या देख रहा है पीछे? अरे यार इसने अंडा तो दिया ही नहीं। अबे ऐसा मुर्गा बनाया था, मुर्गी नहीं जो अंडा देगा। चल तू कहता है तो मुर्गी बना देते हैं, चल भाई मुर्गी बन। अबे बोलना कुकड़ू कुकड़ू। अरे वाह रैगिंग हो रही है। इसकी शक्ल तो गधे से मिलती है, तुमने गधे को मुर्गा बना दिया। चल बे गधा बन। अबे डैडू डैडू तेरा बाप बोलेगा, मारिए इसके पिछवाड़े बेक। डैचू 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 डैचू। तू हर वक्त दूसरों के पिछवाड़े में घुसा रहता है, अब क्या देख रहा है? अरे यार इस गधे की पूछ तो है ही नहीं। अबे कभी अंडा नहीं दिया है तो कभी पूछ नहीं है, लगा हरामखोर की पूछ लगा। अबे रुको रुको यार, बहुत हो गया। चल बड़ा स्मार्ट सा गधा है, पैंट में लुकिंग वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, लेकिन यार गधे पैंट कहाँ पहनते हैं? चल बेटा देखते हैं तू अंडरवेयर में भी क्या इतना ही स्मार्ट लगता है। चल पैंट उतार और पूरे कॉलेज में अंडरवेयर पहन के घूम, वो भी डैचू डैचू करता हुआ, समझा? चल पैंट उतार। रुक यार रुक, साले के अंडरवेयर का कलर तो चेक कर ले, कहीं आराम को लाल रंग के अंडरवेयर पहनी होगी तो पूरे कॉलेज में सुपरमैन की तरह घूमेगा। चल बेटा चल। क्या बदतमीजी, अरे प्रिंसिपल आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है।
यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और ये क्या हो रहा है? वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। और ये हमारी कॉलेज का ऑडिटोरियम है और अब यहाँ एक नया शो होने वाला है। ये तो हिंदुस्तान का चलन है कि हर कॉलेज में फ्रेशर की रैगिंग तो होती ही है। रैगिंग की कोई लिमिट तय नहीं की गई है, लेकिन तुम्हारी रैगिंग की लिमिट मैं तय करूंगी। लो सिगरेट पियो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। देखो मैं सिगरेट नहीं पीती। नहीं पीती थी डार्लिंग, नहीं पीती थी, आज से पियोगी। क्यों पियोगी ना? लो पियो। प्लीज प्लीज तुम मुझसे कुछ और करा लो। कुछ और? कुछ और का भी इंतजाम मेरे पास है बेबी। ये लो बियर को बियर पिलाते हैं। बियर? बियर तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। अब पीनी तो पड़ेगी, तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ और कर लूंगी, तो अब पियो बियर माय डियर। चाहिए अब देखेंगे ये हमारे लिए क्या क्या करेगी। ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरा सर घूम रहा है और हाथ पर भी काम नहीं कर रहे हैं। भाई ये तो हमारी बात मानती ही नहीं, लगता है इसे जेंट्स टॉयलेट कुछ ज्यादा ही पसंद है। और वैसे भी आज कुछ ज्यादा बॉयज होंगे वहां, इसे ले जाकर वहीं बंद करते हैं। प्लीज प्लीज तुम मुझे वहां मत भेजो, मुझे वहां नहीं जाना है। वहां नहीं जाना है? ठीक है फिर डांस करो। डांस कर नहीं तो एक और थप्पड़ मार के जेंट्स टॉयलेट में बंद कर दूंगी। डांस कर नहीं तो एक और झटका लगवाऊं। चल बहुत हो गया, हाथ पीछे कर। चल नाच, चल चल उठ, बैठ ही गई। चल हाथ ऊपर कर, नाचना थोड़ा। चल कमर डाला, कमर अपनी। चल ड्रामे मत कर, खड़ी हूँ क्या एक यहाँ पे? चल नाच के दिखा जरा, बहुत ड्रामा होगा तेरे। चल थोड़ा मटक भी दे, इसे कोई नाच के दे तरीके से, नाच के दिखा। चल उठती है कि नहीं? चल नाच के दिखा, अभी दूंगी एक। चल उठ नाच, नाचती है कि नहीं? थोड़ा नाच ले, थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसे घुमा घुमा कर। इसको तो नाचना भी नहीं आता, क्या डांस कर रही है? ऐसे कर रही है किसी की बारात में आई हो। हीरोइन बन रही थी ना बहुत, आज क्या हो गया? दिखाओ अपना हीरोइन बना। इसके तो बियर से कपड़े गीले हो गए हैं, ठंड लग रही होगी। और हाँ, फ्रेशर होके ब्लैक कपड़े, इस कॉलेज में ब्लैक सिर्फ मैं पहन सकती हूँ। और वैसे भी आइटम सॉन्ग का मजा कपड़ों में कहाँ आता है? ओहो, स्कर्ट भी तो ब्लैक है।
अब देखेंगे ये हमारे लिए क्या क्या करेगी। अब आएगा मजा मल्लिका शेरावत की जलेबी बाई का। लोगों ने फिल्म खत्म होने से पहले शो दी एंड करवा दिया। बट एनीवे, आइटम नंबर का मजा तो लिया ना तुम लोगों ने। अब जाओ यहां से। तुम्हारा पूरा आइटम नंबर इसमें रिकॉर्ड है। अगर बाहर जाकर मुंह खोला तो इस आइटम नंबर को पूरी दुनिया देखेगी। Have fun, darling. Come on. स्वाति, क्या हुआ? अरे बोल तो क्या हुआ? अरे बता तो सही स्वाति, 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 स्वाति बोल तो हुआ क्या? दरवाजा तो खोल। लेकिन तुम्हारी रैगिंग के लिए मैं तय करूंगी। अब पीनी तो पड़ेगी। तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ और कर लूंगी। और बता यार, कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था? अरे छोड़ यार। क्यों? ऐसे क्यों कह रहा है? क्या हुआ? बता ना। अरे क्या बताऊं यार, वही सीनियर स्टूडेंट्स की बदमाशी, फ्रेशर्स को परेशान करना। तो तेरी रैगिंग हुई है आज। चल छोड़ यार, जो हुआ सो हुआ, और वैसे भी फ्रेशर्स के साथ ये कोई नई बात नहीं है। अरे ऐसा कैसे होता है,
मैं चाहकर भी इसे भुला नहीं पा रहा। देख, जितना सोचेगा उतना ही परेशान होगा, तो भूल जा ये सब चिलमार। और हीरो, क्या हाल है तेरे? तुम लोग यहाँ क्यों बे? हम लोग यहाँ नहीं आ सकते क्या? यहाँ क्या सिर्फ गधे ही आ सकते हैं? और मत भूल, तुझसे पहले ये कॉलेज तेरे इस बाप का है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ, समझा? देखो, तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। प्रिंसिपल? साले, यहाँ का प्रिंसिपल भी मैं ही हूँ, मेरी कंप्लेंट मुझसे ही करेगा? तूने क्या सोचा, हम तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? सुबह तो तू बच गया था, लेकिन हरामखोर, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। छोड़ो यार, बच्चे को ज्यादा परेशान मत करो। ले बेटा, अमृत पी, नीट अमृत पी साले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे ज्यादा पीने के लिए फोर्स मत करो वरना। सर, सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए इसे, ये क्या कर रहे हैं आप? ले पी से, और जाके साइड में खड़ा हो जा, अब की बार बीच में आया तो तुझे यहीं जिंदा काट दूंगा। क्यों बे, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब देखते हैं हम कि तू क्या करता है। चल, चाट इसे। नहीं, मैं नहीं चाटूंगा, नहीं करूंगा मैं, नहीं। हम देखते हैं तू कैसे नहीं चाटेगा। नहीं चाटेगा, ले ले साले, नहीं चाटेगा तू, ले ले साले, ले नहीं चाटेगा, ले ले। अपने आप को हीरो समझता है, ले। सुन बे, समझा दियो इसे, हमसे पंगा ना ले, अभी कॉलेज में बहुत वक्त गुजारना है। घर के इकलौते चिराग हो, खानदान का नाम रोशन करना। अभी हमने और हमारे दर्शकों ने पीड़ित परिवारों के दुख को देखा और सुना, ऐसा दुख जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। एक व्यक्ति अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे बड़े से बड़े इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है, ये सोचकर कि एक दिन वो वहां से डिग्री लेकर बाहर आएगा, लेकिन बाहर आता है तो सिर्फ उसका पार्थिव शरीर, ये कहां की व्यवस्था है? हमारे सूत्र बताते हैं कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ ही लड़के लड़कियों के ग्रुप्स हैं, सभी लोग इनमें लिप्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता और कानून भी अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। देखने वाली बात तो ये भी है कि ये घटनाएं कॉलेजेस में बढ़ती ही जा रही हैं, और ये कोई शरारत नहीं बल्कि क्राइम है। हर साल यहाँ आने वाले लड़के लड़कियाँ मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं। पिछले ही हफ्ते इस कॉलेज में एक लड़की ने आत्महत्या की और एक लड़के को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसने अपनी जान गवा दी। तो जिस लड़की की आत्महत्या हुई है, हमने उसके भाई से बात की है, तो आइए जानते हैं उसके भाई का हाल। मैंने ये क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कॉलेज में पढ़ना मेरी बहन का सपना था, उसकी खुशी थी, वही सपना उसकी मौत का कारण बन जाएगा। अगर इस बात का मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं उसे कभी भी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजता। कितने दिनों से खुश थी वो, कहती थी भैया मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। लगता था मानो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। मेरी बहन के साथ जो भी हुआ वो रैगिंग नहीं,
मर्डर है मर्डर। मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है खून। उसके हथियारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। और ये मैनेजमेंट क्या कर रहा था? अरे सब कुछ इन्हीं की शय पे तो होता है। इनके साथ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई। स्वाति, आखिर कानून अपना काम क्यों नहीं करता? ये विद्यार्थी नहीं, अपराधी हैं, और अपराधियों को उनके दंड का परिणाम भुगतना ही चाहिए, फिर चाहे हत्या कॉलेज कैंपस में हो या कॉलेज कैंपस के बाहर। अपराधी के लिए उसका दंड कभी नहीं बदल सकता, और जिस दिन जगह के हिसाब से दंड बदलने लगा, अपराध कभी नहीं रुक सकता। ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि कैंपस को उनका पूरा साथ देना होगा, और साथ ही नहीं बल्कि पुलिस को सही कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी करना होगा, ताकि ये साबित कर सके कि विद्यालय एक अच्छे समाज के धरोहर होते हैं, ना कि कुछ पूंजीपतियों की संपत्ति। जिस लड़के को बेरहमी से मारा गया, वो बेचारा अपने माँ बाप का सिर्फ एक लौता बेटा था। हमने उसके रूममेट से बात की, जानते हैं उसका हाल। मैं उस हादसे के बारे में किस तरह आपको बताऊं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कोई कैसे किसी को रैगिंग के नाम पर इतनी बुरी तरह से मार सकता है, इतनी पीड़ा दे सकता है कि उस इंसान की जान ही चली जाए। मैं तो उस हादसे के बाद इतना डर गया हूं कि मैंने तो वो कॉलेज ही छोड़ दिया है। हम और हमारे दर्शक पीड़ित परिवारों के गम में बराबर के शरीक हैं, और ये जो हो रहा है ये एक क्राइम है, और ऐसे क्राइम की सजा या तो फांसी या कम से कम उम्र कैद तो जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।